हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो है हमारा इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 22 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे एनिमल रियरिंग के बारे में। एनिमल रियरिंग मीन टू से यानी कि आपका जो है पशुपालन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम पर, हर जगह हमारा सेम हैंडल है @successnetra। और आपको जो हमारा टेलीग्राम है इस पे इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी सजेशन है या क्वारी है हमारे लेक्चर से रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर एनिमल रियरिंग। जो एनिमल रियरिंग है, देखिए एनिमल रियरिंग होता क्या है, जो हमारी कंट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर को मेनली दो भागों में हम देखते हैं। एक तो आपका होता है क्रॉप्स, यानी कि एक तो आपका हो गया जो हमारी फसलें हैं ये, और जो दूसरा हमारा आ जाता है इसमें पशुपालन। तो यानी कि जो एनिमल रियरिंग है ये एक पशुपालन है हमारा, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसका ही एक आंतरिक भाग है, एक इंटरनल पार्ट है उसी का ही। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होते हैं उसके ही एक इंटरनल पार्ट के रूप में इसको एनिमल रियरिंग को देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो गायें हैं हम उनको पाल रहे हैं, हमारा ऊँट पाल रहे हैं, भैंस हैं या फिर बकरी है या फिर आपकी भेड़ है या फिर सुअर हैं, कोई पशु है अगर हम उसको पालते हैं तो उसको हमारा एनिमल रियरिंग की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें एनिमल रियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एनिमल रियरिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जैसे जो हमारा लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक यानी कि हमारा जो पशुधन है, जो पशुधन है वो हम उससे उसको हम कैसे एक उसका यूज करके कैसे हम एक आम इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी लाइफ को इजी बना सकते हैं। उसका जो रोल है लाइफ स्टॉक का एक आम आदमी के जीवन में, उसको हम यूजफुल बना सकते हैं। चाहे वो हो हमें किसी जो लैंडलेस लेबर है यानी कि जो हमारा भूमिहीन किसान है उसकी मदद करनी हो, या फिर जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है यानी कि जो हमारे छोटे या फिर सीमांत किसान है उनकी मदद करनी हो, या फिर बात हो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी कि जो आपका महिला का आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, तो इन सब में जो आपकी एनिमल रियरिंग है एक मेन रोल प्ले करती है। सेम चीज़ मैंने जो आपके लिए हिंदी में यहाँ पर टाइप कर दिया, आपको पीडीएफ में ये मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, जो एनिमल रियरिंग है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट लाइव स्टॉक ओनर है, यानी कि जो पूरा विश्व है उसके अंदर जितने भी देश हैं, अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास में जो पशुधन है वो सबसे अधिक मात्रा में है, देन वो आता है हमारा इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पशुधन अभी है। और जो लाइव स्टॉक सेक्टर यानी जो पशुधन का ये हमारा जो सेक्टर है, ये हमारे जो एग्रीकल्चर, फिशिंग और फॉरेस्ट्री यानी कि हमारा जो हमारा कृषि हो गया या फिर हमारा जो मछली पालन हो गया या फिर फॉरेस्ट्री हो गया, इससे जितनी भी इनकम होती है उसका 25% कंट्रीब्यूट करता है आपका एनिमल रियरिंग सेक्टर यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर यानी कि आपका जो पशुधन सेक्टर है ये आपका 25% तक उसमें कंट्रीब्यूट करता है, 25% से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम बात करें जीडीपी के टर्म में तो अप्रोक्स 4% टोटल जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है। ये और क्या करता है, ये हेल्प करता है एडिशनल इनकम प्रोवाइड कराने में रूरल पॉपुलेशन यानी कि जो रूरल पॉपुलेशन है, जैसे हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, कोई मान चलिए कोई किसान है, ठीक है, इस किसान की जो सालाना आय है वो है आपकी 1,00,000 रुपये पर ईयर, लेकिन इसने क्या किया कि एक जो गाय है उसको इसने पाल लिया और इसने इस गाय का जो है वो दूध बेचना शुरू कर दिया, या फिर पता लगा कि इसने एक मुर्गी पाल ली, मुर्गी फार्म खोल लिया, इसने उसके अंडे बेचने शुरू कर दिए, या फिर इन्होंने जो मुर्गी है उसी को इसने बेचना शुरू कर दिया, या पता लगा कि इसने जो सुअर है उसको पाल लिया, या फिर इस पर लगा इसने कि बफेलो है उसको पाल लिया, उसका जो दूध वगैरह मतलब उससे जो भी प्रोडक्ट निकलते हैं उसको बेच के जो अपनी जो इनकम है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट कर सकता है, यानी कि अपनी जो इनकम इंक्रीज कर सकता है, यानी कि एडिशनल इनकम की सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। एम्प्लॉयमेंट कैसे, मतलब एक इंसान है जो घर पर बेरोजगार बैठा है, ठीक है, उस बेरोजगार इंसान ने क्या करा कि यार मैं एक मुर्गी फार्म डाल देता हूँ, ठीक है, उसने एक मुर्गी फार्म डाल दिया, तो उससे क्या हो गया, उसको एक रोजगार मिल गया, साथ में 2-4 लोगों को इसने और ज़्यादा रोजगार दे दिया, क्योंकि ये तो है नहीं कि अकेला बंदा ये मुर्गी फार्म चला देगा। या फिर पता लगा कि इसने एक डेयरी खोल दी, अब इसने डेयरी खोल दी तो उसका दूध निकलेगा, तो यहाँ से इसको एक रोजगार मिल गया और 2-4 लोगों को इसने और रोजगार प्रोवाइड करा दिया, देन आपका हो गया ये आपका ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, फूड कैसे प्रोवाइड कराता है, यानी कि जो हमारी जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमको फूड ही मिलता है। जैसे हम बात करें मुर्गी से हमको क्या मिल जाते हैं, अंडे मिल जाते हैं,
या फिर अगर हम बात करें गाय या भैंस से, गाय भैंस से हमको क्या मिल जाता है, इसको हमको दूध मिल जाता है, दूध के जो प्रोडक्ट हो गए आपके मिल्क प्रोडक्ट हो गए, आपका दही हो गया, आपका पनीर हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, ये हमको प्रोवाइड हो जाती है। देन आपका जो फूड है वो प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है, सोशल सिक्योरिटी का मीन टू से है, मान के चलिए कि कोई किसान है और इसके पास में कोई फसल है और किसी कारण से कोई मानसून नहीं आया, कुछ और रीजन हो गया, तो इसकी जो फसल है बर्बाद होगी। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट होता सिर्फ फसल के ऊपर ही, तो कहीं ना क्या होता है, इसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल में चल जाती। लेकिन अब क्या है कि भाई इसके पास में फसल तो है, साथ में इसके पास में लाइफ स्टॉक भी, यानी कुछ ना कुछ इसके पास में पशुधन भी है। भले इसकी फसल खराब हो गई, उसको दिक्कत तो होगी, लेकिन यहाँ से इसका जो घर का डेली की जो रोजमर्रा का जीवन है वो आपका चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक सोशल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। और जो फ्यूल है, यानी कि जो आपके जो डंक केक्स है, यानी कि अगर हम बात करें गाय भैंस का जो गोबर होता है, उसका प्रयोग भी हम फ्यूल के रूप में करते हैं गांवों के अंदर। तो आपका ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करें, ये जो जितने भी इंडिया के अंदर जो पुअर्टी एलिवेशन, मतलब जो गरीबी दूर करने के लिए जो प्रोग्राम हमारी सरकार चलाती है, तो उसके अंदर भी इसका जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है। वही है कि अगर आपका गरीब एलिवेशन कैसे कर सकते हैं, रोजगार देकर, रोजगार कैसे, आपका जो डेयरी प्रोडक्ट, आपका डेयरी हमने लगा लिया, फिर हमने मुर्गी पालन लगा लिया, फिर अगर हमने क्या बोला सुअर पालन शुरू कर दिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देन ये भी हमारा जो पुअर्टी एलिवेशन है, इसमें भी इसका मेन रोल होता है। हमको फूड आइटम देता है, जिसको हम मिल्क देता है, मीट देता है, एग्स देता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हमको फूड आइटम प्रोवाइड करता है। और साथ में जो हमारे जो लाइव स्टॉक है, इससे हमको जो फाइबर और स्किन प्रोडक्ट भी हमको प्रोवाइड होते हैं, यानी कि स्किन और फाइबर प्रोडक्ट कैसे हो गए, जैसे हमारा जो है लेदर हमको प्रोवाइड हो जाता है, मतलब पशुधन से प्रोवाइड होता है। आपका जो ऊन हो गया, ये हमको प्रोवाइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो आपके जो लेदर जो स्किन प्रोडक्ट है, वो हमको लाइव स्टॉक से प्रोवाइड होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो GDP है उसमें ये सीधा सीधा उसको फायदा पहुंचाते हैं, उसमें हमारी जो GDP है उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और इनका हम मतलब बड़े लेवल पर इनको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेदर प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जहाँ पे मतलब कुछ ऐसे ट्रेन, जैसे आपके कुछ हिली एरिया हो गए, मतलब जहाँ पे हमारी जो रेलगाड़ी हैं या फिर आपकी जो बस वगैरह वो नहीं चल सकती है ना, मतलब कुछ ऐसे एरिया हैं इंडिया के अंदर, मोस्टली किसी एरिया की बात करें, जहाँ पे इनको मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपका जो हॉर्सेज हो गया, हॉर्स को हम मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं। आपकी जो डंकी है यानी कि जो आपके जो गधे होते हैं, गधों को हम क्या करते हैं, माल ढुलाई में उनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आपका रेगिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे ऊँट का भी प्रयोग ट्रांसपोर्ट के रूप में किया जाता है, यानी कि एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट भी ये यूज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, एक इसको एक ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इसको एक मूविंग पैक माना जाता है। मान लीजिए किसी कोई इंसान है, उसके पास में दो भैंसे हैं या फिर इसके पास में चार गायें हैं, इसको कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, तो ये क्या कर सकता है, इसको तुरंत बेच के अपने पास में पैसा ले सकता है। यानी कि ये एक डिस्पोजिबल ये एसेट है, इसको आप कभी बेच के अपना जो पैसा है इसको इनकैश कर सकते हैं। तो इसको एक मूवेबल बैंक भी बोला जाता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे एनिमल रियरिंग का, से मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइप कर दिया है हिंदी में, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। अगर हम बात करें कंस्ट्रेंट्स ऑफ लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, मतलब जो लाइव स्टॉक है उसके डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या बाधाएं देखने को मिलती हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है आपका बाधाएं, इसके अंदर हमको क्या क्या बाधाएं देखने को मिलती हैं। यानी कि एक तो हमारे पास में जो सुपीरियर क्वालिटी के जो ब्रीडिंग बुल्स नहीं है, मतलब बेहतर गुणवत्ता वाले जो हमारे पास में जो सांड है, मतलब अगर हम बात करें मेल की बात में, क्योंकि अगर हमको कोई भी हमारी जो ब्रीड है उसको आगे ले चलना है, तो हमको मेल और फीमेल दोनों लोग चाहिए। तो फीमेल तो हमारे पास में है, लेकिन इतनी अच्छी गुणवत्ता के हमारे पास में मेल लाइव स्टॉक्स अवेलेबल नहीं है कि हम इनकी जो ब्रीड है उसको उच्च किस्म की या फिर उच्च वैरायटी की जो हमारी अगली ब्रीड है वो पैदा हो सके। एक तो इनकी अवेलेबिलिटी के हमारे अंदर में कमी है, जो हमारा सीमैन है वो मतलब जो हमारे लाइव स्टॉक्स है उनका जो सीमैन है वो उस उनकी क्वालिटी पुअर है, या फिर जो आपका आर्टिफिशियल सीमैन वगैरह होता है, तो वो भी हमारी जो मतलब उसकी भी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है। और जो एनिमल की डिसीज होती हैं, कुछ मतलब पशुधन होते हैं उसके अंदर कुछ बीमारी हो जाती है, तो उनका कंट्रोल भी उस लेवल पर नहीं है, मतलब उस लेवल पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि उनको हम कंट्रोल कर सकते, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है इनके हेल्थ पे, और इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, इनसे जो हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी इनका सीधा सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं, जो लोग मतलब कहीं ना कहीं पशुधन है इसका व्यापार करते हैं, या इससे जैसे डेयरी वगैरह हो गया, मुर्गी फार्म वगैरह, वो सब चीज़ चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर स्किल्स की भी कमी है, जिसके कारण से जो प्रोडक्टिविटी है उसकी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास में एक जो मतलब कुछ हमारे पास में ग्रामीण या फिर उसको हम बोलते हैं देसी नस्लें,
देसी नस्लें हम इनको बोलते हैं, मतलब जो हमारी डायरेक्ट हम हमको प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी नस्लें देसी नस्लें उनकी भी हम कहीं ना कहीं उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल जाता है। यानी कि जो देसी नस्लों के लिए क्षेत्रमुखी संरक्षण, यानी जो जो लोकल लेवल पे जो उनके संरक्षण के लिए जो फैसिलिटी हमको चाहिए वो हमारी उसमें कमी है, उसका हमके अभाव देखने को मिलता है। तो उस पर जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं उनको भी हम उतना सिक्योर या फिर सेफ नहीं कर पा रहे हैं, वो खत्म होती हमारी जा रही है। तो उनको कंजर्वेशन के लिए हमको कहीं ना कहीं उस पर भी वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। तो कुछ ये लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के मतलब आपको उसमें बाधाएं देखने को मिलती हैं, जिस कारण से इनका अच्छा डेवलपमेंट नहीं होता है। जैसे आपका मेनली आपका हो गया एक तो हमारे पास में अच्छी किस्म के जो हमारे पास में मेल लाइव स्टॉक अवेलेबल नहीं है, हमारे पास में जो लाइव स्टॉक का सीमेन है वो उस क्वालिटी का नहीं है, जो एनिमल की डिसीज है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो जो हमारे फार्मर्स है उसको उस लेवल की स्किल्स और क्वालिटी हम नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जिससे जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो इम्प्रूव कर सकें। और जो हमारे पास में जो देसी नस्लें हमारे पास में हैं उनका हम संरक्षण उनको हम कैसे बचा के रखें उसके बारे में हमारे पास में कोई भी प्रॉपर प्लान अवेलेबल नहीं है। हम बात करते हैं जो हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं कि जो हमारे लाइव स्टॉक सेक्टर है इसको हम प्रमोट करें, इसको हम इसमें हम सुधार लेके आए, तो उसके अंदर हम क्या क्या हम डिसीजन या फिर क्या क्या मेजर्स हम इसमें उठा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि इसको हमको कमर्शलाइजेशन एक हम इसका कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें जो मार्केट कनेक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज सेंटर एंड ट्रेनिंग। कमर्शलाइजेशन से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है और इसके पास में एक भैंस है, हम छोटे लेवल समझने की सोच करते हैं, और ये इसका दूध बेचता है, तो ये उस लेवल पर चीज़ें नहीं कर पाएगा। जैसे इस एक इंसान है उसने अपनी जो है डेयरी लगा ली, डेयरी लगाने के पास में इसके पास में कम से कम होगी 50 भैंस, और जो 50 भैंस हैं उनका दूध निकालने के लिए हमारे पास में मशीनें अवेलेबल होगी। और जो ये एक इंसान है, ये अगर किसी कोई एक इंसान है वो अगर दूध बेच रहा है तो हो सकता है उसे अपने आस पड़ोस में ही अपना जो दूध है उसका व्यापार कर पाएगा, उसको उस लेवल पे जो है उसकी पैसे नहीं मिल पाएंगे जो उसकी कोस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर एक इंसान ने डेयरी लगा ली, इसके पास में 50 भैंस है, 50 भैंस का दूध ये बेचता है, फिर 50 गाय का दूध बेचता है, तो हो सकता है कि आसपास के गाँव या फिर बड़े शहरों में भी ये दूध का बेच सकें। तो और बेचने के लिए क्या होगा, हमको कहीं ना कहीं जो रोड और ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा करना पड़ेगा, ये तो दूध है ये खराब ना हो, इसके लिए हमको स्टोरेज फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेन चीज़ है, एक तो हमको इसका कमर्शलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है, दूसरा है कि जो कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जा सकते हैं, अगर जैसे कोई नेचुरल बीमारी वगैरह आ गई तो उनसे बचने के लिए भी हमको एक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड हमको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, मान चलिए कि ये दो लाइव स्टॉक्स है, एक आपका हो गया मेल और एक फीमेल, ये दोनों एक ही नस्ल के हैं, तो इनका जो लाइव स्टॉक निकल के आएगा, जो इनका बच्चा होगा वो भी सेम नस्ल का होगा, हमने अब हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस ब्रीडिंग करा देंगे। एक अच्छी हमको पता लगा कि जो मेल है, ये जो मेल लाइव स्टॉक है ये एक अच्छी किस्म का हमने ले लिया और इन दोनों की हमने ब्रीडिंग करा ली, तो इससे कहीं ना कहीं जो नया बच्चा होगा इनका वो कहीं ना कहीं जो पहला बच्चा होगा उससे इम्प्रूवमेंट इसका अंदर में होगी, ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रोडक्शन इससे हम कर सकते हैं जो इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हो गए उनका। तो हमको क्रॉस ब्रीडिंग कराने की रिक्वायरमेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम इसमें लेके आ सकते हैं, यानी कि सार्वजनिक यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपना भी अपना काम करे और साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी साथ में लेके चले। और इसी के साथ में जो हमारे पास में जो चारा फसलें हैं, मतलब अब जो भी हमारे पशु होते हैं वो चारा खाते हैं, तो जो चारा है उस चारे को अच्छी गुणवत्ता का चारा हमारे पास में उपलब्ध हो तो उसका भी हमको प्रावधान करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो आपका गुणवत्तापूर्ण चारों की पर्याप्त उपलब्धता भी हमको प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। तो ये कुछ मेजर्स हैं, पहला हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसका एक सेकेंड पहला हम इसका कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं, दूसरा हम इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई भी नेचुरल डिजास्टर कोई बीमारी वगैरह कुछ ऐसी आती है तो उससे हम जो अपने किसान हैं जो उनको रखते हैं उनको हम हेल्प प्रोवाइड कर सकें। क्रॉस ब्रीडिंग हम करा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम इसके अंदर लेके में आ सकते हैं, और जो आपका जो उच्च गुणवत्ता का जो चारा होता है, जो फोडर होता है, उसको हम प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या इनिशिएटिव उसने लिया है, तो उसके कुछ इनिशिएटिव है, जैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चलता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसके अंदर गवर्नमेंट का जो टारगेट जो इसको ऑब्जेक्टिव होगा कि जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है। अगर हम बात करें नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसके अंदर में क्या है कि जो लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है उसको हमको इंक्रीज करना है। अगर हम बात करें नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, एक ये चलता है नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग
प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो हमारी जो क्षेत्रीय जो नस्लें हैं उनको उनको अपग्रेड करना है। ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री स्टार्टअप एंड ग्रांट चैलेंज, मतलब जो ये है इसके अंदर जो हमारे इनोवेशन हो रहे हैं उसको हमको अप्रिशिएट करना है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो कामधेनु आयोग है इसका क्या है कि जो हमारी जो काउज है उनकी प्रोडक्टिव को हमको इंक्रीज करना है। और नेशनल एनिमल डिसीज फॉर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसका क्या है कि जो फुट एंड माउथ डिसीज, इसको हम बोलते हैं लोकल भाषा में मुंहपका और खुरपका, ये बोलते हैं मुंहपका और खुरपका, जो जो इस प्रकार की जो डिसीज है उसको कंट्रोल के लिए नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल बोर्ड है। सेम मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया है। तो देन आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो देन आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की वीडियो चाहिए देन आप @successmitra टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड इसको पा सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और इसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द।